नमस्कार दोस्तों, मैं उमेंद्र मौर्य, मौर्य हाईटेक गोल्ड फार्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और व्यू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसके लिए आपको आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, दोस्तों मैं आप लोग बताऊंगा कि आपको दाना मिश्रण जो है उसको कैसे तैयार करना है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं टाइम बचाने के लिए पहले इसको लिख दिया हूँ क्योंकि आपका टाइम बचे, क्योंकि टाइम सबके पास नहीं होता कि लंबा समय लिखूँ इसको, उस समय लगेगा। तो दाना मिश्रण जो तैयार करना है, इस रेशियो में अगर आप दाना मिश्रण तैयार करते हैं तो इससे बकरियों का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, बच्चों का भी होगा, ब्रीडर का भी। ये जो दाना मिश्रण है ना, इसको एक तरह से कहा जाते हैं सुपर है, समझ रहे हैं, सुपर है। ठीक, क्यों सुपर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हर एक चीज की मात्रा जो है उसको संतुलित किया गया है। ये मतलब एकदम सुपीरियर मैं बात कर रहे हैं। जैसे अनाज 30% ले रहे हैं, मेथी आप ले रहे हैं, मेथी क्यों लेने के लिए कर रहा हूँ, मेथी का बहुत उपयोग है। उसके बाद खली, चोकर, दाल की चुनी, चूरी या चुनी, मिनरल मिक्सर और नमक। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे अनाज जो आप ले रहे हैं उसमें एक चीज ध्यान देना आपको, अनाज मिक्स क्या है, अनाज क्या सोचते हैं, जैसे कि गेहूं या मक्का, या गेहूं है या फिर मक्का, दोनों से कोई ले सकते हैं, गेहूं या मक्का। मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं होगी क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए आप लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में है। ये दोनों अनाज आप दो चीज ले सकते हैं, गेहूं या मक्का, 30% आपको लेना है। मेथी आप सभी लोग लमसम समझ गए होंगे, मेथी आपको लेनी है। मेथी जो होता है पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है, पेट संबंधी कोई भी समस्या नहीं होगा, इसके लिए आपको 5% मतलब 5 kg, 5 kg आपको मेथी लेना है, 30 kg अनाज। ठीक, ये जो है टोटल है 100% = 100 kg, मतलब 100 kg का है। यहाँ खल की हम बात करते हैं, तो खल आपके यहाँ कौन सा मिलता है, देखिए एक मूंगफली का होता है, इसको देखिए खल में मूंगफली, बिनौला या फिर सरसों, तीनों में से कोई मिलता है तो आप 25 kg इसको ले सकते हैं, 25 के लिए ले लेंगे। ठीक, इसके बाद चोकर लाइए, चोकर कई तरह का आता है, गेहूं का चोकर आता है, उसके बाद किसी भी मतलब कोई भी अनाज है, अनाज के ऊपर का जो खोला होता है उसको हम चोकर बोलते हैं। ठीक, तो चोकर आपको लेना है 17 kg। ठीक, 17 kg हो गया। दाल की चुनी, किसी का भी दाल हो, मतलब दो दलानी जो होता है ना, मान लीजिए कोई चीज है, ये गेहूं हो गया, तो गेहूं जो है इसको बीच से हम लोग तोड़ नहीं सकते, ये दाल है तो इसको दो भाग होगा और बीच यहाँ से दो पार्ट में हो जाएगा, ये सर्च अरहर समझते हैं ना, अरहर हो गया, अरहर के बाद चना हो गया, चना के बाद मटर हो गया, किसी भी मतलब दाल का दो लहनी जो फसल होते हैं उसका जो तोड़ा जाता है, जो निकाला जाता है, जैसे दाल पे दाल बनती है, जो दाल बनता है तो वहाँ पे उसके टुकड़े मिलते हैं छोटे छोटे, वो खंडा बोलते हैं हमारे यहाँ तरफ, उसको कहते हैं खंडा। खंडा जो होता है वो आपको मिलेगा 40 से 45 रुपये किलो हम लोग यहाँ मिल जाता है, किसी भी दाल का खंडा लग जाए, मतलब खंडा में छोड़ दाल है तो दाल का शेप ये होता है। ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, अब इसमें से यहाँ से टूट गया है छोटा सा पार्ट, ठीक, ऊपर वाला, तो इसको खंडा बोलेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, चने का दाल हो या फिर अरहर का हो या फिर मटर का हो या फिर मूंग का, किसी चीज़ का दाल हो तो उसका आपको लेना है 20 kg दाल। ठीक ना, उसके बाद मिनरल मिक्सचर, मिनरल मिक्सचर आप कोई भी ले सकते हैं, एक ग्रीन फोर्ट हो, टोटा बीट हो, उसके बाद CRS हो गया, चिलेटेड रेनिमेक्स शक्ति है, बोबेमिन जीएल है, बहुत सारे मिनरल मिक्सचर मार्केट में, तो उसमें से आपको एक या दो किलो आप ले सकते हैं अपना आवश्यकता अनुसार, एक या दो किलो। ठीक, उसके बाद नमक, नमक आपको 1 kg लेना है, ये नॉर्मल नमक है जो हम लोग खाते हैं। ठीक, साथ में आपको अपने फार्म में, अपने फार्म में क्या करना है, काला नमक, नमक तीन तरह का होता है, एक सेधा होता है, काला होता है, तो इस सभी का टुकड़ा फार्म में रखना है, जिससे ये होगा आप अपने फार्म में रखते हैं तो बकरियाँ उसको चाटेंगी तो उसको ज़्यादा प्यास लगेगा, इसके लिए आपको नमक 2-3 प्रकार के अपने फार्म में रखने हैं, बहुत ज़रूरी है, इससे बकरियों को भूख भी बढ़ती है, प्यास भी बढ़ती है और पेट संबंधी रोग भी नहीं होता है। तो देखिए, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि ये जैसे बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो आप इसमें चाहें तो कुछ चीज़ें कम कर सकते हैं, आप चाहें तो खल की मात्रा कम कर सकते हैं। ठीक,
खल की मात्रा कम कर सकते हैं अपना आवश्यकता अनुसार, मेथी कम कर सकते हैं, दाल की चुनी आप 10 किलो कर सकते हैं। अगर इसको कम कर रहे हैं तो अनाज बढ़ाइए, तो खल बढ़ाइए, जो आपके यहाँ सस्ता हो। मैंने एक रेशियो बताया आपको कि इसमें से ये परसेंटेज लेना है, ठीक, जो भी है ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए इसमें से आपका जो सस्ता पड़ रहा है ना, जो सस्ता है उसको लेना है ठीक, जो सस्ता आपको मिले, ठीक ना। मान लीजिए आपके यहाँ अनाज सस्ता है तो अनाज की मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ खल सस्ता है तो खल की मात्रा बढ़ा दीजिए, तो लगता है चोकर सस्ता है तो चोकर की मात्रा जो है उसको बढ़ा दीजिए। जो इसमें आपको सस्ता मिले वो बढ़ा दीजिए, जो महंगा उसकी मात्रा कम कर दीजिए। मान लीजिए आपके दाल की चूरी की रेट जो है ज़्यादा है ठीक, और खली का रेट कम है, इसको 5 किलो कम कीजिए, इसमें 5 किलो बढ़ा दीजिए, कि जो महंगा उसको कम कर दीजिएगा, जो सस्ता उसको बढ़ा लीजिएगा। ये जो है ये फार्मूला सुपर फीड का है, यह सुपर फीड है, समझ लीजिए एक तरह का। मतलब इसको देते हैं आप अपने फार्म में, सारी बकरियाँ जो है वो अच्छे ग्रोथ करेंगी, बकरे भी अच्छा ग्रोथ करेंगे, इससे आपका फार्म का जो मेंटेनेंस है ना वो बहुत अच्छा बना रहेगा। और आप अगर चाहते हैं तो इस तरह का आप डाइट बना सकते हैं अपने बकरी बकरों के लिए। इस तरह देखा जाए तो जो लोगों के पास हरा चारा नहीं है ना, और इस डाइट को जो मैंने आपको बताया, ये क्वांटिटी 30 किलो 5 किलो 25 किलो 17 20 और 1 से 2 किलो, ये डाइट अगर देते हैं जिनके पास हरा चारा रहा बिल्कुल नहीं है, जो चराने नहीं लिया से बिल्कुल हरा चारा नहीं है, सिर्फ सूखे चारे पर फार्मिंग करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। और सभी का एक मिक्सचर बनाना है, 1 क्विंटल का, एक पूरा 100 kg का है, और इसको खिलाएंगे तो बकरियों का बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।